अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कैसे बोलती होगी, उसकी आवाज कैसी होगी? अच्छा वो सामने अचानक आएगी तो मेरा क्या होगा? कहीं भी होश ही ना हो जाऊं मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? पेट में बटरफ्लाइज डांस कर रही हैं। इतना एक्साइटमेंट तो मुझे आज तक स्टेज पर जाने पर भी नहीं हुआ। कब पहुंचेंगे हम इंडिया? कब लैंड होगा ये प्लेन? कब आएगी वो मेरे सामने? आई होप वो मुझे एयरपोर्ट लेने जरूर आए। खुदा जाने कौन सा गुनाह हुआ है हमसे जिसके सजा के एवज में इसे लिख दिया है हमारी किस्मत में। जब से पैदा हुई है इस घर की बर्बादी में लगी हुई है। मैं समझा रही थी सबको, कहा था मैंने एक दिन ये लड़की भी अपनी अम्मी की तरह ही निकलेगी। टिप्पू तू जानती है ना दादी अम्मी कैसी है, उन्हें ओवर रिएक्ट करने की आदत है। प्लीज रोना बंद कर दो प्लीज। अगर तू बंद नहीं करेगी ना रोना तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। मैं चुप रहती मन्नू, मैं कुछ नहीं बोलती। दादी अम्मी की सारी डांट सुन लेती, हमारी दादी है ना, उन्हें तो पूरा हक है हमें डांटने का, पूरा भला कहने का पूरा हक है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे डांट पड़ी, मुझे तो तब बुरा लगता है जब दादी अम्मी मेरी वजह से अम्मी को बुरा भला कहती है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए रो रही हूँ मैं। दादी अम्मी को जो बोलना है मुझे बोले ना, अम्मी को बीच में लाने की क्या जरूरत है, अम्मी भी सब कुछ सुन लेती है, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती। आज भी अम्मी ने हमें कमरे में भेज दिया, कुछ नहीं कहा दादी अम्मी से, वो क्यों करती है ऐसा? मेरी समझ में ये नहीं आता है अम्मी कि आप ऐसा क्यों करती हैं? मैंने माना कि इबादत की गलती थी तो आप उसे बुरा भला बोल देती ना, माँ का ताना देने की क्या जरूरत थी अम्मी? और आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि कल दोनों बच्चियों की सालगिरह है? आपने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। शुक्र मना मैंने सिर्फ ताना दिया है, अगर मेरे बस में होता ना दुआ, खुदा जाने मैं उस इबादत के साथ क्या कर बैठती। अम्मी कितनी खुश थी मैं, मेरा सुभान आने वाला है, लेकिन उस इबादत ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। देख ये लड्डू मैंने कितनी प्यार से कितनी मेहनत से बनाए थे, सोचा था मेरी कायनात इतने सालों बाद आएगी तो उसे और उसके बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन मजा ले उस इबादत के रहते हुए मेरी किस्मत में कोई खुशी नसीब हो। आपका गुस्सा लड्डू बर्बाद होने की वजह से नहीं है अम्मी, इस कड़वाहट की वजह कुछ और ही है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो वजह क्या है। लेकिन अम्मी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर वक्त पर्दा डाल चुका है, और हम भी उन्हें पर्दे में रहने देना तो ही अच्छा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।